आपको मास्टर बेडरूम के चारों वॉल्स यूज करने के लिए मिल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर वॉशरूम डिजाइन किया गया है डिफरेंट तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आज मैं आपको लेकर आई हूँ पुनावले लोकेशन में एक प्रीमियम प्रोजेक्ट दिखाने, और इसे यूनिक बनाती है फ्लैट में यूज हुई अपडेटेड टेक्नोलॉजी और साथ में प्रोजेक्ट में मिलने वाली प्रीमियम एमिनिटीज। तो चलिए पहले फ्लैट में जाने से पहले हम देख लेते हैं एक बार इस प्रोजेक्ट का मॉडल। तो आ जाइए मेरे साथ इस तरफ। जैसे ही हम इधर आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आ जाता है क्लब हाउस। इसका यूनिक फीचर ये है कि आपको साथ में मिल जाते हैं गेस्ट रूम्स, प्लस जो अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है तो उसे ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको वर्किंग स्पेस भी मिल जाती है। और इसके पीछे आ जाता है पार्टी लॉन और साथ में बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर प्ले एरिया भी मिल जाता है। जैसे ही हम इस तरफ आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें पोडियम लेवल पर बहुत सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं, जिसमें आ जाता है स्केटिंग रिंग, ओपन चेस गार्डन, बास्केटबॉल कोर्ट, साथ में ही कवर्ड स्विमिंग पूल जो यूजुअली हमें प्रोजेक्ट्स में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लेडीज थोड़ा हिचकिचाती हैं स्विमिंग पूल यूज करने के लिए। और साथ में ही यहाँ पर आपको मिलेगा यूनिक एमिनिटीज जो है मिनी गोल्फ क्लब, तो आप इसे देख सकते हैं। अगर हम बात करें लैंड पार्सल की तो ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है 7 एकड़ में, जिसमें आने वाले हैं 11 टावर। और सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक फ्लैट को मिलने वाली है कवर्ड पार्किंग, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली है 3 लेवल की पार्किंग। तो चलिए अब हम चलते हैं फ्लैट की तरफ। इस फ्लैट में आपको मिलने वाला है वीडियो डोर फोन विद एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। वीडियो डोर फोन तो आपको बाकी फ्लैट्स में भी देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। यहाँ पर आप इस वीडियो डोर फोन को कंट्रोल कर पाएंगे अपने मोबाइल से। अगर कोई यहाँ पर बेल बजाता है तो आप मोबाइल में देख पाएंगे कि बेल किसने बजाई है, और साथ में उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट भी कर पाएंगे और साथ में ही आपस में हुई बातचीत को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं फ्लैट की तरफ। तो यहाँ पर आ जाता है इस फ्लैट का लिविंग रूम। तो आप देख सकते हैं ये कितना स्पेशियस और कितना खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर एल शेप का सोफा लगाते हैं तो भी आपको बहुत सारे स्पेस मिल जाती है चलने के लिए, प्लस साथ में ही आपको मिल जाती है विंडो और यहाँ पर आ जाती है आपकी बालकनी। तो फिर चलिए हम चलते हैं बालकनी की तरफ। ये बालकनी काफी लंबी है और इसका फायदा ये होता है कि आप यहाँ पर प्लांट्स लगा सकते हैं, प्लस साथ में ही आपको यहाँ पर जगह मिल जाती है एक खूबसूरत सीटिंग एरिया डिजाइन करने के लिए। तो आप इसे देख लीजिए। हम चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पर हमें सिंगल प्लेटफॉर्म की किचन मिल जाती है। इसका प्लेटफॉर्म काफी लंबा है तो आप यहाँ पर आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं, प्लस आपको किचन में एक विंडो यहाँ पर मिल जाती है और दूसरी विंडो आपको यहाँ पर मिल जाती है।
और साथ में ही आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं अपना डाइनिंग टेबल, नहीं तो आप इस तरह से खूबसूरत सिटिंग एरिया भी डिजाइन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर मिल जाती है ड्राइव बालकनी जो है किचन से अटैच। तो फिर चलिए बालकनी की तरफ। और ये बालकनी काफी बड़ी है तो साथ में आप वॉशिंग मशीन तो रख सकते हैं, प्लस अपना डिश वॉशर भी रख सकते हैं, और चाहे तो आप ऊपर अपना कपड़ों का स्टैंड भी लगा सकते हैं। तो आप इसे देख लीजिए। तो अब हम चलते हैं किड्स बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पर आ जाता है किड्स बेडरूम। तो आप देख सकते हैं कि ये किड्स बेडरूम कितना बड़ा है कि आप यहाँ पर आराम से कवर डिजाइन कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए लगा सकते हैं स्टडी टेबल। और तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए यहाँ पर विंडो को डिजाइन किया गया है। नीचे का जो आप ग्लास देख रहे हैं ये फिक्स्ड ही आने वाला है। आपको यहाँ पर मिलने वाली है स्लाइडिंग विंडो और साथ में ही आपको मिलने वाली है हाफ ग्रिल, ताकि जो यहाँ का व्यू रहे वो अच्छा आए। तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है कॉमन वॉशरूम, जिसका यूनिक फीचर ये है कि आपको दोनों ही वॉशरूम में मिलने वाले हैं मोशन सेंसर लाइट, और साथ में ही आपको दोनों वॉशरूम्स में मिलने वाले हैं सोलर वाटर के प्रोविजन। तो आप इसे देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आ जाता है मास्टर बेडरूम। तो आइए अंदर की तरफ। तो ये है इस प्रोजेक्ट का मास्टर बेडरूम। यूनिक फीचर ये है कि आपको मास्टर बेडरूम के चारों वॉल्स यूज करने के लिए मिल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर वॉशरूम डिजाइन किया गया है डिफरेंट तरीके से। तो आ जाइए अंदर की तरफ। यहाँ पर आ जाती है इसके विंडो। ये नीचे का पैनल फिक्स्ड है और ऊपर आपको मिल जाती है स्लाइडिंग विंडो। तो आप इस तरफ देख लीजिए। और यहाँ पर हमें जगह मिल जाती है कवर डिजाइन करने के लिए, और साथ में आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं अपना ड्रेसिंग टेबल, और इस वॉल को आप यूज कर सकते हैं फ्रेम्स लगाने के लिए। इसका एक और यूनिक फीचर ये है कि आपको यहाँ पर मिल जाता है सेमी होम ऑटोमेशन, जिससे आप इस घर के सारे लाइट्स कंट्रोल कर पाएंगे अपने मोबाइल ऐप के थ्रू। तो फिर चलिए हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ।
तो यहाँ पर भी आपको जो वॉशरूम मिल जाता है उसमें आपको मिलता है सोलर वाटर सिस्टम और साथ में आपको यहाँ पर मिलते हैं मोशन सेंसरी लाइट्स, तो आप इसे देख सकते हैं। अगर हम बात करें कारपेट एरिया की, तो जो कारपेट एरिया इस प्रोजेक्ट में शुरू होते हैं वो है 750 से 790 तक, और जिसकी प्राइसिंग जाती है 55 लाख रुपीस के आसपास। अगर हम बात करें पोजीशन की, तो इसका पोजीशन है जून 23 में। प्लस यहाँ पर जब आप साइट विजिट करने के लिए आएंगे तो आप एक्चुअल बिल्डिंग देख पाएंगे, बिकॉज जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम है वो 70% तक हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अधिक जानकारी या साइट विजिट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।